कहानी का शीर्षक है मोह। रमू 3 वर्ष का हो चुका था। अब वह अपनी तोतली भाषा में कुछ भी बोल सकता था। बूढ़े बिहारी लाल को उसे बड़ा स्नेह था। रमू भी उन्हें अपना खिलौना समझता था। प्रातःकाल उठते ही रमू बिहारी के कमरे का द्वार खटखटाकर कहता, बाबा उत्तो। रमू की पुकार से बिहारी लाल को उठना ही पड़ता था। बिहारी लाल ने सरकारी नौकरी में ही अपने सिर के बाल पक्का दिए थे। इस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की थी। नौकरी से पेंशन लेकर वह अपने जीवन का शेष समय रमू के पिता के मकान में किराए पर एक कमरा लेकर व्यतीत कर रहे थे। रमू का उनका दिन रात का साथ था। रमू अक्सर बिहारी लाल जी की पीठ पर सवार होकर बाजार घूमने जाता था। बूढ़े के बिना न रमू को चैन और न रमू के बिना बूढ़े को। रमू बिहारी लाल की बहुत सी चीज़ें नष्ट कर देता। उसने उनकी बहुत सी पुस्तकों पर पेंसिल से चिन्ह बना बना कर रंग डाला था। उनके कमरे की दीवारों पर सैकड़ों रंगीन लकीरों से चित्रकारी कर दी थी, किंतु बिहारी लाल कुछ न कहते थे। रमू की इन क्रियाओं में बाल्यकाल कला कुशलता देखकर वह मन ही मन मुस्कुराते थे। जब कभी रमू की माँ उसे मारती, वो रोता हुआ बिहारी लाल के पास जा पहुँचता। वो उन्हें ही अपने सुख दुख का साथी समझता था। बिहारी लाल की कोई संतान न थी, पर रमू के क्रीड़ा कौतुक में तन मन की सुख फूल जाने से उन्हें यह अभाव कभी खला नहीं। रमू को देखते ही वह कभी कभी वह कब बैठता, देखो वह स्वर्ग का हंसता हुआ खिलौना मेरे पास आ रहा है। रमू अब 5 वर्ष का हो गया था। एक दिन रमू की माँ और बिहारी लाल की स्त्री में खटपट हो गई। बात यहाँ तक पड़ गई कि रमू के पिता ने बिहारी लाल को मकान छोड़ने के लिए कह दिया। बिहारी लाल बड़े संकट में थे। वे सोचते, हाय मेरा कलरव मय सुखमय बसेरा अब किस पाप से छूट रहा है भगवान। पर उनकी स्त्री मकान छोड़ देने की शपथ खा चुकी थी। संध्या का समय था। बिहारी लाल अपने कमरे में उदास बैठे थे। रमू ने कहा, बाबा क्या करते हो? कुछ नहीं रमू, अब तो तुम्हारा साथ छूट जाएगा। क्यों? तुम्हारे पिता की आज्ञा है मकान छोड़ दो। तो अब कहाँ जाओगे बाबा? जहाँ ईश्वर ले जाएगा बच्चा। ठीक उसी समय रमू की माँ ने उसे पुकारा। अपनी माँ की तीव्र ध्वनि से रमू समझ गया कि मुझसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसे दंड देने के लिए अम्मा बुला रही है। डरते डरते वो माँ के पास पहुंचा। पीठ पर एक धमाका लगाते हुए माँ ने कहा, उस बूढ़े की अब मत जाएगा। बाला ने सिसकते हुए पूछा, क्यों अम्मा? मैं कहती हूँ बाबा बड़े अच्छे हैं, बाबूजी उनको क्यों निकाल रहे हैं? एक बार कह दिया, अब बाबा के यहाँ जाओगे तो मार खाओगे। रमू की समझ में कुछ नहीं आया। मार खाने के भय से वो आगे कुछ न पूछ सका। बिहारी लाल के कानों में ये बात पड़ गई। उनके नयनों की निर्झरिणी बह चली। उनकी स्त्री ने कहा, देखा बच्चे का क्या दोष था जो उसे मारा? हम लोगों के कारण ही तो उसे मार खानी पड़ी। अब कल ही मकान छोड़ दो। बिहारी लाल मन ही मन सोचने लगा, यदि आज ईश्वर ने मुझे भी एक प्यारा बाबा दिया होता तो उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होता। रमू दूसरे का बालक है, उस पर मेरा क्या चारा? हाय रमू का साथ तो छूट जाएगा। अब बाबा का मुझे कौन पुकारेगा? अब मेरी आंखों की ज्योति किसे देखकर दुगुनी होगी? मेरे तन मन किसे देखकर खिलेंगे? बिहारी लाल ने वो मकान छोड़ दिया। कई दिन तक दूसरे मकान में रहे, किंतु उस मकान की दीवारों पर न तो रमू के हाथ की रंगीन लकीरें थी और न कोई स्वर्गीय कलरव। हाँ
कमरे की नीरस निस्तब्धता में कभी कभी उनके आंसुओं का उज्जवल कंपन मोतियों की तरह चमकता हुआ दिखलाई पड़ता था। अंत में वो शंकर छोड़कर चले गए अंत में वो शहर छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, यहां रहूंगा तो रमू के देखने की इच्छा को न रोक सकूंगा, यहां न रहूंगा तो फिर क्या, कुछ शांति अवश्य मिलेगी। बहुत समय बीत गया। अब बिहारी लाल का समय ईश्वर की आराधना में ही लगता था। हरिहर क्षेत्र का मेला था। बिहारी लाल स्नान करके हरिहरनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि एक तरफ को चली गई। उन्होंने देखा, यह क्या, रमू की तरह एक बालक कुछ दूर पर खड़ा दिखाई पड़ा। उनकी आंखों की तृष्णा बढ़ गई। वो खड़े खड़े कुछ सोचने लगे। क्षण भर बाद उन्होंने कहीं से कुछ सुंदर खिलौने खरीदे। रमू का किशोर स्वरूप उन्हें और भी आकर्षक प्रतीत हुआ। बड़े साहस से वो उसके सामने आकर खड़े हो गए और खिलौने देते हुए कहा, अच्छे हो बच्चा। वह विस्मित नयनों से उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा मंडराने लगी। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है, कहते हुए वह आगे बढ़ा। बिहारी लाल कुछ उत्तर न दे सके। उनके हाथों से खिलौने छूटकर गिर पड़े। तो ये थी दोस्तों कहानी, जिसे सुनकर आपको अच्छी लगी होगी। और कहानी का शीर्षक